जब किसी भी राज्य सरकार को 4% से ज़्यादा GSDP का फिस्कल डेफिसिट रख ही नहीं सकते हैं, तो क्या बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए या बिहार की जनता को एक तरह से कहें तो यह महाठगबंधन की सरकार ठगने के लिए कही है कि ये मेरा रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से 8.8% का हमारा घाटा होगा खर्च कर रहे हैं। अगर आप रिवाइज एस्टिमेट देखिए तो 22-23 में आपने शिक्षा के लिए 55,111 करोड़ रुपए मांगे हैं और इस साल आपने 42,381 करोड़ रुपए खर्च के लिए दिया है, अर्थात आप 22-23 के मुकाबले 23% राशि 23-24 में खर्च करना चाहते हैं। और ये सब बिहार सरकार का जो डाटा है, जो बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री ने रिलीज किया है, मैं उससे पढ़ रहा हूँ, मैंने पूरा बजट पढ़ा है और इसमें कुछ भी मेरे द्वारा कहा गया नहीं है, जो बिहार सरकार डाटा दे रही है वही सब मैं पढ़ रहा हूँ। उसी प्रकार से एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर गरीब को आवास मिले, आपने क्या किया कि 12,543 करोड़ 22-23 में पैसे दे रहे हैं आप आवास के लिए और इस साल आपने आप केवल 7,504 करोड़ दे रहे हैं, अर्थात 40% राशि गरीबों के मकान के लिए भी आपने इस बजट में पिछले साल के जो आपका रिवाइज एस्टिमेट का बजट है उससे कम किया है। बिजली के क्षेत्र में हमारे बहुत प्रमुख मंत्री हैं लेकिन उसमें भी 16,439 करोड़ के मुकाबले इस बार केवल 11,436 करोड़ दिया गया, अर्थात 30% कम। और उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि आपने एक योजना शुरू की है स्मार्ट प्रीपेड मीटर, इसमें आप चाहिए नहीं चाहिए आपको 100 रुपया हर मीटर पर खर्चा लगेगा। कितने गरीब बेचारे हैं जिनका 200-300 रुपया बिल ही आता है, आप 100 रुपया खाली स्मार्ट मीटर के नाम पर आप लेना चाह रहे हैं एक एक गरीब से। उसी प्रकार मतलब हमारा यही कहना है कि क्या बिहार को फिर से आप गर्त में भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार ने 1990 से 2005 का काल देखा और बिहार ने 2012 से 2017 का भी कार्यकाल देखा, जब NDA में के शासन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी और यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो भी बिहार का औसत जो परसेंटेज है आमदनी का 2012 से 17 के 5 सालों में राष्ट्रीय औसत से कम था। और इतने मुश्किल से 17 के बाद फिर जब NDA में भाजपा की सरकार बनी तो आज हमारा विकास दर जो है वह राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। अब फिर से ये महाठगबंधन की सरकार बन गई है तो क्या उसके लिए आप फिर विकास दर घटाने जा रहे हैं क्या, क्योंकि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ बोल रहा है। आप विधानसभा में बजट रखे हैं और आपका पूरा बजट आप ही का बजट मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एक शब्द अलग से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये जितनी बातें मैंने कहा है माननीय विजय चौधरी जी के बजट से ही मैंने ले करके किया है। मेरा जनता से भी अपील है कि शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की ही बिहार की सरकार बिहार में विकास कर सकती है और इसीलिए बिहार में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। और साथ में मैं इस महाठगबंधन सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर 15 मार्च तक शिक्षकों का कोई निदान नहीं निकाला गया नौकरी का तो भारतीय जनता पार्टी भी इस आंदोलन में कूद पड़ेगी। और आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, जब अप्रैल में आपने भाजपा से कहा था पिछले साल कि हम शिक्षकों को नौकरी देंगे, आपका एक मानसिक विकलांग शिक्षा मंत्री, मैं तो उसको मानसिक तौर पे विकलांग मानता हूँ, उसने भी कह दिया कि भाई हम नौकरी का मैंने दस्तखत कर दिया है। नीतीश कुमार जी भी सुने, आप लोग के जितने आप लोग मीडिया चैनल से सब होली के पहले शिक्षकों को तोहफा मिलेगा, होली के पहले जिस मीडिया चैनल में जाते थे ये दिखता था, उसके बारे में बजट में आप 1 रुपया नहीं देते हैं, तो आप बजट में पैसा नहीं देते हैं तो आप शिक्षकों को नौकरी कैसे दे दीजिएगा। तो अगर 15 मार्च तक शिक्षकों के नौकरी का कोई सलूशन नहीं निकला तो भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को निश्चित तौर पर अंतिम परिणति तक इस आंदोलन में भाग लेगी। मैं पुनः एक बिहारी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि शिक्षकों को और जो नौकरी के जो भी 2,34,000 भारतीय जनता पार्टी के समय तय हुए नौकरी हैं
उनको वह शीघ्र पूरा करें, नहीं तो भाजपा आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी।